इसी टॉपिक को देखेंगे डिटेल से। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क यानी नेटवर्क क्या है, पहले भी बता चुके हैं कि दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं टू फॉर्म अ नेटवर्क। तो बहुत टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली नेटवर्क होता है वो लैन और वैन। लेकिन आपके बुक में और आपके सिलेबस में तीन टाइप्स के नेटवर्क दिए हुए हैं, तो हम वही तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है जो नेटवर्क यानी टाइप्स ऑफ नेटवर्क, उसका नाम है लैन। लैन क्या होता है? लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। क्या मतलब? कि कंप्यूटर्स लोकली कनेक्टेड, यानी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो विद इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में विद इन अ रूम, यानी इसका डिस्टेंस कम, उसी को कहते हैं लैन। जनरली लैन इंडिविजुअल यानी किसी एक आदमी के द्वारा यूज किया जाता है या किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है। तो देखते हैं बुक में लैन के बारे में क्या दिया है। लैन कनेक्ट्स नेटवर्किंग डिवाइसेस विद इन अ शॉर्ट एरिया। लैन क्या करता है? डिवाइस को कनेक्ट करता है विद इन अ शॉर्ट एरिया, यानी कम दूरी में जो भी कंप्यूटर है उसको आपस में हम लैन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया स्मॉल ऑफिस, छोटे ऑफिस, जो ऑफिस एक रूम के होते हैं या फिर एक बिल्डिंग के होते हैं, वहां के जो कंप्यूटर है उसको हम लैन के थ्रू आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक टर्म दिया है लैन यूजेस TCP/IP नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर, यानी लैन क्या यूज करता है? TCP/IP। एक नया टर्म हमें मिला है TCP/IP, इसका मतलब क्या होता है? टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बस अभी की क्लास में बस हम यही जानेंगे इसका फुल फॉर्म होता है कि ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये क्या होता है ये आप सीनियर क्लास में जब जाइएगा तब वहां पर बहुत सारे डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या दिया है कि लैन इज ऑपरेटेड इन शॉर्ट एरिया। तो लैन ऑपरेटेड कितने दूरी में किया जाता है? कम दूरी में, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है या इसको यूज किया जाता है सिंगल पर्सन या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यही आपका क्या हो गया? लैन लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा हर जो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क सो हम देखेंगे, इसका नाम क्या है? वैन। वैन का मतलब क्या होता है? वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और वैन का जो कॉमन एग्जांपल है यानी वाइड एरिया नेटवर्क, क्या मतलब कि वैन के थ्रू ही हम लॉन्ग डिस्टेंस पे यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के जितने भी कंप्यूटर है उसको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो किसके थ्रू? वैन के थ्रू। तो वैन का सबसे कॉमन और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। तो देखते हैं वैन के बारे में और क्या डिटेल्स में दिया हुआ है। क्या दिया? वैन कवर्स अ लार्ज डिस्टेंस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। तो वैन क्या करता है कि लार्ज डिस्टेंस कवर करता है, किसके लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कम्युनिकेट करने के लिए विद टू कंप्यूटर्स, यानी दो कंप्यूटर्स में डिस्टेंस कितना भी हो। यानी अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप मुजफ्फरपुर में, आप पटना के, पटना में अगर कोई आपका फ्रेंड उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, दिल्ली में है, उसके बाद आपका इंडिया से बाहर अमेरिका में है, फिर इसी तरीके से डिस्टेंस जितना ज्यादा हो तब कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क यूज होता है? वैन। और वैन का मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है वो क्या है हमारा? इंटरनेट। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं तो एंटायर अर्थ यानी पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में हम कहीं भी अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं तो वो कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क यूज करके? उसका नाम है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन नेटवर्क है वो हमारा क्या है? लैन और वैन। ठीक है, और आपके बुक में एक और दिया है
इसका नाम है मैन, यानी मैन का मतलब क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, देखिए दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बट इट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस फॉर सम गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैन का यूज हर जगह नहीं किया जाता है, यानी ज्यादातर यूज किसका किया जाता है, लैंड और वैन का। लेकिन कुछ खास गवर्नमेंट एजेंसियां हैं जिनके द्वारा मैन का यूज किया जाता है। मैन कवर से लार्ज स्पैन ऑफ फिजिकल एरिया देन लैंड बट स्मॉलर देन वैन। मतलब क्या हुआ कि जो मैन है यह लैंड से बड़ा है, मतलब इसका डिस्टेंस लैंड से ज्यादा है लेकिन वैन से कम। लैंड का मतलब क्या हुआ, लैंड का मतलब हुआ कि जो भी कंप्यूटर है वो एक बिल्डिंग में हो या एक रूम में हो, यही होता है, आपस में इसको कनेक्ट करते हैं। वैन का मतलब हो गया पूरे वर्ल्ड, ठीक है। तो जो हमारा मैन है वो लैंड से बड़ा होता है, यानी डिस्टेंस जो है वो लैंड से ज्यादा है और वैन से, यानी पूरी दुनिया में इसके कुछ लिमिटेशन है, इसके डिस्टेंस के कुछ लिमिटेशन है। आगे देखते हैं क्या दिया है, अ मैन फीचर्स अ वैन दैट इज बिल्ट अराउंड द सिटी और अ सेक्शन ऑफ ए सिटी, यानी एक सिटी में यूज करने के लिए। अब इसका एग्जांपल जो हम देखेंगे कि मेनली एग्जांपल क्या है, देखिए सिटी केबल, इसका अगर सिटी केबल सबसे अच्छा एग्जांपल है कि सिटी केबल किसी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और वो केबल से आप पूरे सिटी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो यह एक आपका एग्जाम्पल हो गया सिटी केबल, इसलिए कॉमन एग्जाम्पल है क्योंकि आप उसको रियल लाइफ में भी देखे। एक और इसका एग्जाम्पल है जो आपका होता है इंटरनेट, यानी केबल नेटवर्क। मतलब क्या हुआ, जो इंटरनेट पहुंचता है आपका वायर के थ्रू, उसका भी क्या रहता है कि ये किसी भी एक सिटी में एक मेन ऑर्गेनाइजेशन रहता है, एक मेन हब रहता है, वहां से आपको नेटवर्क पहुंचता है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क क्या है हमें पता है, एडवांटेजेस क्या है हम पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेटवर्क के, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं। तो नेटवर्क के टाइप बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन होते हैं लैन एंड वैन। क्यों, क्योंकि अगर कम दूरी में कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करना है लैन का यूज करेंगे, और अगर कंप्यूटर ज्यादा दूरी में पूरी वर्ल्ड में पूरे अर्थ पर कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है तो लैन का यूज होता है और मैन बहुत रेयरली यूज किया जाता है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सो है नेटवर्क टोपोलॉजी। जो आप आज एक और टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो क्या है आपका, वो है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। सिंगल वायर से कनेक्ट किया जाता है। द सेंट्रल केबल इज द बैकबोन ऑफ द
नेटवर्क यानी स्मॉल है बस, तो जो सेंट्रल केबल होता है वो बैकबोन होता है, वो मेन रीढ़ का हड्डी होता है, वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसी को क्या कहते हैं बस कहते हैं। एवरी वर्क स्टेशन कम्युनिकेट्स विद द अदर डिवाइस थ्रू दिस टोपोलॉजी, यानी टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर है वो सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसको डिटेल्स में देखने के लिए इसका डायग्राम देखेंगे और फिर समझेंगे कि टोपोलॉजी कैसे काम करता है। तो देखिए अगर यहां पे हमारा ये फर्स्ट कंप्यूटर है, ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेकंड कंप्यूटर है और फिर ये हमारा थर्ड कंप्यूटर और ये हमारा फोर्थ कंप्यूटर। तो हम कह सकते हैं सिस्टम वन, सिस्टम टू, सिस्टम थ्री, सिस्टम फोर, सिस्टम कह लीजिए, कंप्यूटर कह लीजिए, एक ही वर्ड, ठीक है। अब ये जितने भी कंप्यूटर है ये चारों आपस में कनेक्ट किए हैं, यानी इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो एक केबल के थ्रू कनेक्ट किया गया है, इस डायग्राम में जो आपके व्हाइट बोर्ड पर है इसमें क्या है चार कंप्यूटर है, जरूरी नहीं कि चार कंप्यूटर, ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा भी कंप्यूटर हो सकता है। तो चार कंप्यूटर है, चारों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया गया, तो चारों कंप्यूटर को क्यों कनेक्ट किया गया है, किसी भी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन किसी भी कंप्यूटर को भेज सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन चीज है वो क्या है, केबल जिसको टर्मिनेटर कहते हैं। अगर इस केबल में कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या ये नेटवर्क काम करेगा, मान लीजिए कि केबल कहीं यहां से कोई प्रॉब्लम आ गया, अगर ये यहां से केबल ये वायर कट गया तो क्या ये वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, ये जो वायर जिस वायर में इस केबल में इसको कनेक्ट किया गया, तो यही है क्या है बस टोपोलॉजी, ठीक है। और देखते हैं क्या किया इसके बारे में, तो इस टोपोलॉजी में क्या है जितने भी वर्क स्टेशन यानी कंप्यूटर, ठीक है, वर्क स्टेशन मतलब क्या हुआ जहां पर वर्क हो रहा है, वर्क कहाँ होगा कंप्यूटर में वर्क होगा, तो ऐसे समझिए एक सिस्टम दो सिस्टम तीन सिस्टम चार सिस्टम चार कंप्यूटर है, चारों कंप्यूटर आपस में जो कनेक्ट हुए हैं वो किसके थ्रू हुए हैं, वो इस वायर के थ्रू हुए हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम बस टोपोलॉजी या इसी को टर्मिनेटर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है। तो देखिए इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और पेरिफेरल टू अ लीनियर बस, यानी आसान है कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्या है सिंपल एक वायर है, कंप्यूटर को कनेक्ट करना की जरूरत है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर का डेटा अगर दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो इजीली शेयर कर सकते हैं, इसलिए हम किसका यूज करते हैं इस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। रिक्वायर्स लेस केबल देन स्टार टोपोलॉजी, एक और टोपोलॉजी होता है जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी, उससे यह इजी है क्योंकि इसमें लेस वायर का यूज किया जा रहा है, एक स्ट्रेट वायर क्या है स्मॉल वायर है, जहां तक सिस्टम है वहां तक आपको वायर ले जा रहा है और वो वायर सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब स्टार्ट टोपोलॉजी पढ़ेंगे तब कंपेयर करेंगे, क्योंकि अभी हमारा एडवांटेज क्या करा है कि स्टार्ट टोपोलॉजी से बेटर है, यानी रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ देन अ स्टार्ट टोपोलॉजी, यानी स्टार्ट टोपोलॉजी में जितने वायर का लेंथ का जितना लंबा वायर यूज किया जाता है उससे कम वायर यूज किया जाता है किसमें बस टोपोलॉजी। तो देखिए ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ टोपोलॉजी, अब हम क्या देखेंगे डिसएडवांटेज, क्या खामियां है टोपोलॉजी। पहला डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द एंटायर नेटवर्क शट डाउन, अगर पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट है ये फाइंड आउट करना कि प्रॉब्लम कहां है, क्या कर रहा है आपका नहीं, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द एंटायर नेटवर्क शट डाउन, इंटायर नेटवर्क ये क्या है नेटवर्क में आ गया तो चार डिफरेंट कंप्यूटर है, चार आपके अलग अलग कंप्यूटर है जिसको आपस में जो कनेक्ट किया गया है किसी वायर के थ्रू, ठीक है ना, तब ये क्या फॉर्म कर रहा है एक टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है जिसका नाम है बस टोपोलॉजी। तो कह रहा है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है, ये इसके डिमेरिट हो गए यानी डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट नॉट मीट टू बी यूज एज अ स्टैंड अलोन सॉल्यूशन इन अ लार्ज बिल्डिंग, यानी बड़े बिल्डिंग में इसका यूज नहीं कर सकते, इसका लिमिटेशन बड़े बिल्डिंग में इसका यूज नहीं कर सकते, बस टोपोलॉजी है। देखिए जितने भी टोपोलॉजी हम आपको पढ़ाएंगे
टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, तो उसका जो भी नाम है बस किस तरीके का होता है, बस हम देखते हैं ना, तो उसी टाइप का ये है। टोपोलॉजी है कि फ्लो में जाएगा, नॉर्मली बस किस तरीके का रहता है, इसी टाइप का बस रहता है, ठीक है। तो टोपोलॉजी हमारा क्या है, इसी तरीके से है। तो हम इसको एक लार्ज बिल्डिंग में यूज नहीं कर सकते हैं, ये इसका क्या है, डिमेरिट्स है। नेक्स्ट, इंटायर नेटवर्क सर्व्स डाउन इफ देयर इज अ ब्रेक इन द मेन केबल। जो मेन केबल है यानी वायर कह रही केबल में, इसमें कहीं ब्रेक आता है, कहीं भी यानी कहीं टूट जाता है, कहीं वायर में प्रॉब्लम आता है, तो पूरा जो नेटवर्क है यानी पूरा जो टोपोलॉजी है वो शट डाउन हो जाएगा, यानी टोपोलॉजी वर्क करना बंद कर देगा। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ द एंड ऑफ द बैकबोन केबल, यानी दोनों केबल के लास्ट में टर्मिनेटर का यूज किया जाता है। तो ये हमारा पहला टोपोलॉजी हुआ जिसका नाम है बस टोपोलॉजी। अब हम जो दूसरा टोपोलॉजी देखते जाएंगे इसका नाम क्या है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ाया गया है उसके वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एकदम जहां वीडियो से रिलेटेड डाउट हो और आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जहां क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम होगा हम आपको क्वेश्चन आंसर भी बतला देंगे, लेकिन जितना भी वीडियो लेक्चर में बतलाया जा रहा है उसको ध्यान से समझिए, उससे डाउट पूछिए, क्योंकि डाउट क्लियरिंग क्लास में आप जनरली करते हैं सर क्वेश्चन आंसर क्या, या स्टूडेंट पूछते हैं क्वेश्चन जो ऐसे टॉपिक जो बाहर के जो अभी तक पढ़ाया नहीं गया, तो वैसे टॉपिक मत पूछिए, वीडियो जरूर वॉच कीजिए, उससे प्रॉब्लम एनालिसिस कीजिए कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आया। तो नेक्स्ट आने का